नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। मैं देव वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं देव वर्मा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, कई विद्यार्थियों ने पूछा कि सर वन रक्षक जेल के लिए या डिप्टी जेलर के लिए हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए और इसको लेकर एक वीडियो जरूर बना दीजिए, बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन में हम रहते हैं। पहली बात तो ये कितने घंटे पढ़े, है ना, और दूसरी बात ये कि कब पढ़े। क्या पढ़ने का भी कोई निश्चित टाइम होता है कि इस समय उठेंगे और हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा संचरित होगी, ऐसी ऊर्जा हमारे अंदर दौड़ने लगेगी कि हम पढ़ने लगे और सभी चीजें हमारे माइंड में इस प्रकार से छपने लगी कि मानो हम एक सुपर ह्यूमन की तरह काम कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा टाइम, क्या ऐसी चीजें हैं, तो इन दोनों के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आती है सर कितने घंटे पढ़े, तो आपके एग्जाम में एक महीने भी अभी नहीं बचा हुआ है और जब एग्जाम में एक महीने नहीं बचता है तो हमारा माइंड केवल एक चीज पर फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे गोल पर। जब हमारे गोल पर हमारा माइंड फोकस्ड होता है ना, तो हमारे दिमाग में चीजें अन्य चलना बंद हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, 24 घंटे में से अगर 12 घंटे आपके दिमाग में केवल आपका गोल चलता है तो ध्यान रखना आपके सपने में भी जब थॉट आएंगे, जब विचार आएंगे तो आपके गोल से संबंधित ही आएंगे। तो पहली बात तो यह कि कितने घंटे पढ़े, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जितना पढ़े प्रोडक्टिव तरीके से पढ़े। ऐसा नहीं कि आप टेबल पर उपस्थित है, आपकी देह उपस्थित है, आपका मन और कहीं पर जा रहा है। इसके लिए आप दो तीन काम ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा चलना फिरना करें, थोड़ा सा आप चल फिर सकते हैं, योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आपके माइंड की थोड़ी स्थिरता रहे। जब आप पढ़े तो फोकस्ड के साथ पढ़े, फोकस होकर पढ़े। अगर मेरे ख्याल से मुझसे पूछा जाए कि जब एग्जाम के एक महीने बचे हो और आज की टाइम पर जिस लेवल का कॉम्पिटिशन है, जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा यहाँ पर एग्जामों में बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से अगर मुझसे पूछा जाए कि सर कितने घंटे पढ़े, तो मिनिमम आपको एग्जाम से पहले 10 से 12 घंटे पढ़ना चाहिए। और ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है उसके पीछे कारण बताता हूं। क्योंकि जिस लेवल का पटवारी में मैथ्स पूछा गया, इस मैथ्स को आप डेली कम से कम 4 घंटे आपको देना चाहिए, तब जाकर आप 20 में से 20 अंक जेल प्रहरी वन रक्षक डिप्टी जेलर में ला पाएंगे। और ये कड़वा सत्य है, इसे अगर आपने नहीं स्वीकार किया तो यकीन मानिए कि आपकी नैया इस तरीके से डूब सकती है, फिर उसे कोई उभार नहीं सकता। और सोचकर देखना कि ये वन रक्षक की वैकेंसी अब पता नहीं कब आएगी, और अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर मैं डिप्टी जेलर नहीं बना या नहीं बनी, अगर मैं वन रक्षक या जेल प्रहरी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मेरे साथ या मैं बात कर सकता हूं मैं किस एग्जाम की तैयारी करूंगा, और उस एग्जाम को तैयार करने में फिर से कितनी मेहनत करनी होगी। जब आप ऐसे थॉट दिमाग में लाएंगे तो यकीन मानिए आप 10 से 12 घंटे से भी ज्यादा यहाँ पर पढ़ने लग सकते हैं। इस 10 से 12 घंटे को ऐसे आपको डिवाइड करना है कि डेली 2 से 3 घंटे आपको रिविजन करना है ना। पता लग रहा है जितनी चीजें आपने पिछले 3 महीने 4 महीने 5 महीने से पढ़ते आ रहे हैं उसको आप भूल गए, तो आप में और एक जो नया विद्यार्थी है जिसने अभी पढ़ना ही शुरू किया है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो 2 से 3 घंटे आपने जो पढ़ लिया है उसे रिवीजन करना है। 3 से 4 घंटे कम से कम आपको मैथ्स कंप्लीट करना है, जिसमें 30 मिनट दीजिए कैलकुलेशन पर, है ना। हमें स्पीड पर काम करना है और जिस प्रकार से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना है। हमें ये ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन को उसके निश्चित समय में ही पूरा करना है। इसके लिए कैलकुलेशन पर काम करें, स्क्वायर याद करें, अपने कैलकुलेशन पर डेली थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहे, कभी जोड़ रहे, कभी माइनस कर रहे, और ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए कि आप माइंड में सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि यार अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें होना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको ऐसे जोड़ना है तो कैसे हम जोड़ सकते हैं, इसे इसमें से घटाना है तो कैसे हम घटा सकते हैं। तमाम तरीके की चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, लगभग 1 घंटा डेली हिंदी को देना है। होता क्या है, विद्यार्थी जैसे हम 12th में जो हमारी आदत थी वही आदत आज भी अपनाते हैं कि सर हम हिंदी तो लास्ट एग्जाम के 15 दिन पहले ही पढ़ेंगे, और 15 दिन पहले पढ़कर हम औसतन नंबर लाते हैं, जबकि हमें पता है हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको परसेंटेज ज्यादा ही बनानी थी, तो हिंदी को तो अच्छे से पढ़ो, उसमें ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करो। हम जानते हैं हिंदी में 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो सकते हैं और 20 में से 20 लाए जा सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि हिंदी को छोड़ ही दिया, लास्ट के 5 दिन पढ़ना है, नहीं, डेली 1 घंटे पढ़िए। किसी दिन विलोम पढ़िए, किसी दिन पर्यायवाची करिए, किसी दिन आप थ्योरी पर काम कर लीजिए, किसी दिन आप समानार्थी एकार्थी शब्दों को पढ़ लीजिए, किसी दिन देशज विदेशज शब्द पढ़ लीजिए, कितनी सारी चीजें हैं, मुहावरे लोकोक्ति इनको देख लीजिए। तो 1 घंटे हमें इसमें देना है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 3, 3, 2, 5 और 1, 6, है ना। इधर 1 घंटे कम या ज्यादा मान सकते हैं। अब हमारे सामने बचे हैं 2 सब्जेक्ट, एक है साइंस
और दूसरा हमारा बचा हुआ है इंग्लिश, है ना। तो कम से कम 1.5 घंटे इन दोनों को दीजिए, तब जाकर आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे ढंग से निकाल पाएंगे। कभी इसे 2 घंटे दे दीजिए, कभी इसे 2 घंटे दे दीजिए, कभी यहां पर 4 घंटे हो जाएंगे, तो लगभग 10 से 12 घंटे आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए, तब जाकर आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं 10 से 12 घंटे, क्योंकि एग्जाम को आपसे मतलब नहीं है, आपको एग्जाम से मतलब है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो जो उसको निकालने के लिए करना होगा वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपकी आदत नहीं है तो नहीं बनाई जा सकती, सब कुछ संभव है। जिस दिन माइंड को आपने इस तरीके से सजेशन देना प्रारंभ कर दिया कि नहीं मुझे करना है, चाहे किसी भी स्थिति है, मेरा मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, सफल होने का मूल मंत्र यह है कि आप जिस काम को करना चाहते हैं, आप किसी भी स्थिति में है, उस काम को करते जाइए। तो पहली बात तो ये हो गई। अब बात आती है कि सर कब पढ़े। देखिए, अगर आपसे कोई कहता है कि सुबह 4 बजे उठिए, 4 बजे उठकर ध्यान ज्यादा लगता है, मन ज्यादा लगता है, तो ये सभी चीजें मैं तो सही नहीं मानता। मेरा तो केवल इतना मानना है कि जैसा आपका कह सकते हैं रूटीन होता है, जैसा आपका बॉडी क्लॉक होता है, जिस प्रकार से आप अभी तक पढ़ते आए हैं उसी प्रकार से पढ़िए। पता लग रहा है आप जीवन में कभी 4 बजे नहीं उठे, और आपने सोचा किसी ने बोल दिया कि 4 बजे उठिए आपका बहुत अच्छे तरीके से मन लगेगा, और पता लग रहा है आप 2 दिन उठे और उसके बाद 3 दिन अगले भी खराब कर रहे हैं। अगर आप ऐसे विद्यार्थी भी हैं कि सुबह 4 बजे सोने वाले हैं और रात में पढ़ने वाले हैं, तो रात में पढ़िए। आप ऐसे विद्यार्थी हैं दिन में पढ़ने वाले हैं, सुबह पढ़ने वाले हैं, तो सुबह उठकर पढ़िए। किसी के बहकावे में नहीं आना है, जब हमारा मन लगेगा तब हम पढ़ेंगे। हमारा केवल एक गोल है, हमें पढ़ना है, हमें आउटपुट बाहर निकालना है, हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद हमारे सपने को साकार करना है। उसके लिए हम रात में पढ़े दिन में पढ़े क्या मतलब है, है ना। तो कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आपका मन करता है तब पढ़े, लेकिन अराजक तरीके से नहीं पढ़े। ऐसा नहीं करना है कि आज रात को 4 बजे तक पढ़ रहे हैं और कल शाम को 10 बजे, रात को 10 बजे ही सो गए। नहीं, अगर 4 बजे तक पढ़ रहे हैं तो डेली 3:30, 4:30 तक पढ़ना है। अगर सुबह 4 बजे उठ रहे हैं तो डेली 3:30, 4, 4:30, 5 इसने टाइम पर उठ ही आना है। ऐसे पढ़ेंगे तो ही आपका उद्धार होने वाला है, तो ही जॉब मिलती है, वरना लोग किस लेवल की मेहनत करते हैं आपको नहीं पता होगा। लोग अलग ही लेवल की मेहनत करते हैं और आप 2 घंटे 3 घंटे करके कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर इतनी सी बात कहेंगे कि सर इतने नंबर आए, थोड़ी सी और मेहनत कर लेता ना, या थोड़ी सी और मेहनत कर लेती तो शायद ज्यादा आ जाते, ज्यादा तरीके से अच्छे ढंग से तैयारी हो पाती। खैर, जो आपके डाउट है, मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपके डाउट कंप्लीट हो पाए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो कम से कम देखिए अगर आपके फायदेमंद की चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद।